आज की हमारी रेसिपी है वेजिटेबल कोरमा। सर्दियों का मौसम है, हरी सब्जियां मार्केट में काफी सस्ता होती है, इसे वेज कोरमा बनाएं और तारीफें पाए। सबसे पहले एक मिक्सर की जार में 200 ग्राम दही, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 कप बिरिस्ता, सब चीजों को डालकर अच्छे से पीस ली। मसाला पीसकर हो गया। अब एक बर्तन में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे, उसमें 300 ग्राम चॉप किए हुए फ्लावर डालेंगे, 1 गाजर चॉप, 1 शिमला मिर्ची चॉप, सब चीजों को अच्छे से भून लेंगे। अब उसमें ताजे 1/2 किलो मटर डालेंगे, सब चीजों को मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। अब एक बर्तन में 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे, 2 तेज पत्ता डालेंगे, उसमें पिसा हुआ पेस्ट ऐड कर लेंगे, धीमी आंच पर बॉईल आने तक पकाएंगे। उसके बाद 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, जरूरत के अनुसार नमक, 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से ढककर 15 से 20 मिनट पकाएंगे। अब ग्रेवी में सारी सब्जियां ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब उसे ढककर 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे मीडियम आंच पर। यह हमारा वेजिटेबल कोरमा बनकर तैयार हो गया। इसी तरह अमेजिंग सी रेसिपी पाने के लिए होम शेफ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।